हेलो दोस्तों, नमस्कार। आईटी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि ये वीडियो बहुत ही देर से आई है, क्योंकि हमारे पास ऑफिस का बहुत काम होने के कारण हम थोड़े से लेट हुए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इनपुट डिवाइस के बारे में चर्चा करेंगे। कंप्यूटर के कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं, आज हम इनके एग्जाम्पल के साथ इनको समझेंगे। तो आइए हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर उसको समझते हैं। इनपुट डिवाइसेस का प्रयोग कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है। तो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, इसे इनपुट स्टैंडर्ड डिवाइस भी कहा जाता है। इसमें कई प्रकार की कीज़ होती है जो कंप्यूटर में हम इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट्स की, न्यूमेरिक की, एरो की, स्पेशल करैक्टर कीज़, फंक्शंस कीज एंड अदर की, जैसे कि एंटर, बैक स्पेस, टैब, कंट्रोल, अल्टर एक्सेट्रा। दूसरा आता है हमारे पास माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसकी सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकते हैं। माउस का आविष्कार सबसे पहले डगलस एजलबार्ट ने सन 1963 में किया था। माउस सामान्य तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल माउस, ऑप्टो मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस। नेक्स्ट आता है जॉयस्टिक। दोस्तों, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है वो जॉयस्टिक है। जॉयस्टिक का प्रयोग मुख्यतः स्क्रीन पर किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए किया जाता है। इसका ज़्यादातर उपयोग कंप्यूटर गेम में किया जाता है। नेक्स्ट आता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक मैकेनिकल माउस की तरह एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है। मैकेनिकल माउस में बॉल नीचे की तरफ होती है, जबकि ट्रैक बॉल में बॉल ऊपर की तरफ होती है। नेक्स्ट आता है लाइट पेन। लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है। यह एक पेन के आकार की एक डिवाइस होती है, जिसमें आगे की तरफ एक फोटो सेल लगा हुआ होता है, जो स्क्रीन पर टच होकर पॉइंटिंग को मूव करता है। नेक्स्ट आता है टच स्क्रीन। इसका प्रयोग रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, एटीएम आदि पर कियोस्क के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट आता है इमेज स्कैनर। इमेज स्कैनर प्रिंटेड टेक्स्ट या इमेज को स्कैन करने के बाद उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित करते हुए कंप्यूटर में इमेज की तरह स्टोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है ओसीआर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ओसीआर सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके स्कैनर की सहायता से यदि किसी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जाता है तो स्कैन किया गया टेक्स्ट इमेज के स्थान पर टेक्स्ट के रूप में स्टोर हो जाता है। इसके बाद में इसे यूजर की रिक्वायरमेंट के अनुसार टेक्स्ट एडिटिंग की जा सकती है। नेक्स्ट आ रहा है ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओएमआर का प्रयोग पेंसिल अथवा पेन से किए गए विशेष प्रकार के निशानों को पढ़ने के लिए किया जाता है। आजकल कई परीक्षा जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, उनके उत्तरों को एक विशेष प्रकार की शीट, जिसे ओएमआर शीट पर पेन या पेंसिल से चिन्हित कर किया जाता है। नेक्स्ट आता है बीसीआर, बार कोड रीडर। इसकी सहायता से किसी बार कोड को स्कैन किया जाता है। नेक्स्ट आता है MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। MICR का प्रयोग बैंक या तथा DD आदि की वैधता जांचने में किया जाता है। बैंक के चेक में नीचे की ओर कुछ अंक, जिन्हें चेक नंबर कहते हैं, जो एक विशेष प्रकार की इंक, जिसे आयरन ऑक्साइड होता है, जिसे लिखे हुए होते हैं, को MICR के द्वारा रीड किया जाता है। नेक्स्ट आता है टच पेड। यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जिसका यूज़ लैपटॉप कंप्यूटर में होता है। नेक्स्ट आता है गेम पैड। इसका प्रयोग गेम खेलने में किया जाता है। इस पर कुछ बटन भी लगे होते हैं, जिनका कार्य खेले जाने वाले गेम पर निर्भर करता है। कुछ गेम पैड्स में दिशा निर्धारित करने या किसी डायरेक्शंस को मूव करने के लिए जॉयस्टिक भी छोटी छोटी लगी होती है। नेक्स्ट आता है डिजिटाइजर। इसका प्रयोग फ्री हैंड स्कैनिंग या ड्राइंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड रीडर। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर
का प्रयोग एनकोडेड रूप में लिखी हुई सूचनाओं को रीड करने के लिए किया जाता है। बैंक से मिलने वाले एटीएम इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम की सहायता से कंप्यूटर में कमांड्स या टेक्स्ट आदि को आवाज़ के रूप में बोलकर दिया जा सकता है। इससे समय की बहुत बचत होती है। नेक्स्ट आता है वेब कैमरा। वेब कैमरे की सहायता से हम ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हैं और पिक्चर भी क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों आज हमने इनपुट डिवाइस के बारे में चर्चा की है। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।